Good morning, स्टूडेंट. आई एम प्रिया सिंह राठौर एंड आई एम क्लास टीचर ऑफ M3 क्लास. मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ साइंस. साइंस पे जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 4. आपके पास अगर बुक है तो आप बुक को अपने सामने रखिए और तब पढ़िए, तब आप इस वीडियो को देखिए, आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, आप उसको अच्छे से समझ पाएगा. तो चलिए हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 4 का जो हेडिंग है ए हाउस टू लिव इन. वी नीड ए हाउस टू लिव इन. हमें एक घर की जरूरत होती है रहने के लिए. हमें हम सबको पृथ्वी पर जो भी जीव है उनका कहीं ना कहीं एक घर है, उनके रहने का एक तरीका है. तो सभी को एक घर की जरूरत होती है, चाहे वो घर जैसा भी हो. इसलिए इस चैप्टर में हम घर के बारे में जानेंगे, घर होते कितने प्रकार के और कैसे कैसे होते हैं. इसलिए अब हम जानते हैं आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्ट कोल्ड एंड रेन. हमारा जो घर है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा. तो हमारा जो घर है वो हमें गर्मी, धूप, बारिश और ठंड सभी से हमारा सुरक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है. अगर हमें कहीं भी कोई परेशानी हो जाती है तो हम अपने घर में आके रिलैक्स फील करते हैं. तो चलिए आज हम घर जानते हैं कि कितने प्रकार के घर होते हैं. हाउस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. घर जो हैं बहुत प्रकार के होते हैं. जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया भी गया, आपके बुक में पिक्चर भी दिया गया है. तो लिखे हट, HUT हट का मतलब, हट को हम अपने बोलचाल की भाषा में झोपड़ी बोलते हैं. ठीक है, वहाँ पे है बंगलो. बंगलो बंगलो भी एक घर का ही प्रकार है जिसको पिक्चर आपको दिखाया गया है. ये है घर है आपका अपार्टमेंट. तो आप अगर किसी शहर में गए होंगे, अपने घर के पास अगर कोई शहर है तो वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग देखने के लिए मिलते हैं, अपार्टमेंट टाइप. उसका भी डिज़ाइन अलग होता है, हमारे घर के डिज़ाइन से उनका डिज़ाइन अलग होता है. आगे है सम हाउस आर स्पेशल. कुछ घर जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं. जैसे कि इग्लू इज मेड ऑफ फ्रेड. तो इग्लू जो है वो गोल, उसका जो डिज़ाइन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है, वो बर्फ का बना हुआ होता है. जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे ए टेंट इज मेड ऑफ क्लॉथ. टेंट जो है वो क्लॉथ से बना हुआ होता है. वो टेंट आप अपने घर पे कोई फंक्शन हुआ तो वो भी एक टेंट बनता है. अक्सर हमारे यहाँ किसी फंक्शन में क्लॉथ से घेर कर एक जगह बनाया जाता है, एक स्पेस को सुरक्षित किया जाता है. आगे हम देखते हैं ए हाउस बोट इज ए फॉलोइंग हाउस. तो एक हाउस बोट जो है वो तैरता हुआ घर है. तैरता हुआ घर जैसे कि मान लीजिए कहीं जाने का रास्ता अगर समुद्र से या नदी से है तो वो उसके लिए मान लीजिए कोई कोई लंबा ट्रैवल कर रहा है और उस वो रास्ता है नदी का, तो हाउस बोट होता है. एक बोट का मतलब नाव और उस पर भी घर बना हुआ होता है तो उसको हम हाउस बोट कहते हैं. उसके बाद है रूम इज ए हाउस. तो ए हाउस हैज मैनी रूम्स. हमारे घर में आप देखते होंगे कि बहुत सारे कमरा होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि एक कमरा है और हम उसको घर बोलिए. हमारे घर में कम से कम 2-3 रूम तो होते ही हैं. चलिए अब हम देखते हैं कि घर में रूम कौन कौन से होते हैं और उनका नाम क्या है. ए ड्रॉइंग रूम फॉर मीटिंग गेस्ट. एक ड्रॉइंग रूम, हमारे घर में एक बाहर में रूम होता है जिसे हम ड्रॉइंग रूम कहते हैं, जिसमें हमारे यहाँ अगर कोई गेस्ट आ गए तो उनको हम बिठाते हैं. ए बेडरूम फॉर रेस्टिंग एंड स्लीपिंग. हमारा एक बेडरूम होता है, हमारे घर में बेडरूम तो जरूरी होता है जहाँ पे हम आराम से जाके सोते हैं, हमारे सोने का जो घर होता है. उसके बाद है ए बाथरूम फॉर टेकिंग बाथ. हमारा स्नान करने के लिए जो हम रोज सुबह स्नान करते हैं उसके भी उसका भी एक स्पेशल रूम होता है जिसे हम बाथरूम कहते हैं. ऐसा नहीं है कि हम अपने बेडरूम में जाके स्नान करते हैं, तो स्नान करने के लिए एक रूम होता ही है. आगे है एक किचन फॉर कुकिंग फूड, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं जिसको हम हिंदी में रसोई भी कहते हैं. तो ये हो गया हमारा रसोई. तो ये सब जो है हमारे रूम, हमारे हाउस के अलग अलग रूम्स हैं. तो चलिए आज हम इतना ही जानते हैं, बाकी हम कल जानेंगे. कल की वीडियो में आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी, आप इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए. अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक स्कूल में अवेलेबल है, आप यहाँ से